ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये जैसे मिरर प्लेन मैंने लगा दिया, तो मिरर प्लेन लगाने पर आप इस फेस को देखेंगे, तो वो इसको जब समझ में आ गया, इन दोनों को पहले आप लेंगे, फिर उसके बाद इस पे स्टडी करेंगे, तो इन दोनों पेजों को देखेंगे ध्यान से, और मैं पेज पलटने वाला हूँ, तो एक्चुअल में ये इसी डायरेक्शन में देखना, ये सॉलिड फेज है, लेकिन मैं जैसे पेज घुमाता हूँ, यहाँ किया वो, ये घुमा दिया मैंने पेज, तो ये क्या हो गया, ये हॉलो हो गए, ये क्या हुआ, एक मैजिक हो गया। नो, इट इज नॉट मैजिक, बट ये एक हॉरिजेंटल प्लेन था, उसने अपर हेमिस्फीयर की फेज को लोअर हेमिस्फीयर में पहुंचा दिया। आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये अपने हॉलो हैं, अब इन हॉलो को देखना, मैं जैसे ही पेज पलटूंगा, जैसे ही मैं पेज पलटूंगा, ये सॉलिड हो जाएंगे अपने आप, इसको और इसको देखना, ये देखो ये सॉलिड हो गए, ये सॉलिड हो गए, तो ये होता है एक्चुअल में हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, कोई भी आए समझा देना उसको ऐसे पेज घुमा करके। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जे जैसे ये सॉलिड फेज है, तो डेफिनेटली इसके नीचे हॉलो फेज है, तो मैं 2x m लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके बाहर दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये देखो बुलसाई, सुना होगा है ना बुलसाई, और ये देखो इसके भी ऐसे, मैं थोड़ा बड़ा बना दिया, पहले सॉलिड फेज नहीं बनाना चाहिए था, मुझको समझने की कोशिश करी है, ये देखो अब इसके अंदर ये वाले सॉलिड लगा दूंगा मैं, ये इसके अंदर ये सॉलिड, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में अपर हेमिस्फीयर के नीचे लोअर हेमिस्फीयर में दो फेज हैं, और लोअर वाले के ऊपर अपर हेमिस्फीयर में दो फेज हैं, मैंने आपको घुमा के बता दिया, इस ये डायड एक्सिस के परपेंडिकुलर इस वाले मिरर प्लेन को, तो मेरा हाथ नहीं है, अब ये कागज इस काम को कर रहा है, और प्रकाश सर मैंने उल्टा लिखे थे, अब ये सीधा हो गया इधर आ करके, ये देखो ठीक है, तो ये है सिस्टम हॉरिजेंटल का, हॉरिजेंटल प्लेन इस तरीके से बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, 2x हम तो बना दिया, अब हम बार थ्री की बात करते हैं, बार थ्री का मतलब क्या है, रो टू इन्वर्जन है ये थ्री का, ट्रायड एक्सिस का, तो एक्चुअली मुझे ये जैसे अपन ट्रायड एक्सिस बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे बना दिया सर्किल, और उसके बाद उसको कर दिया हॉलो बीच में से, लेकिन अब ये जगह नहीं बची है यहाँ पर, आप अपने कॉपी किताब वगैरह जिसमें भी बना रहे हैं तो जगह देख लेना, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ये, और अब समझ लेना कि वही है, ठीक है, मैं इसको साइडों से लिया, ये देखो इस तरीके से, इसका भी मैं ऐसे कर देता हूँ बड़ा वाला, ठीक है, ये ट्रायड एक्सिस बन रहे हैं अपने, ये वाला ट्रायड एक्सिस, अब मैं थोड़ी स्पीड पकड़ता हूँ क्योंकि आपके समझ में तो आगे सारी कहानी, ये देखो अब ये ट्रायड एक्सिस बन गया, इस ट्रायड एक्सिस को अब आप क्या करेंगे, ये वाला एक जैसे बुल्स आई है दोनों, इसमें यहाँ पर सॉलिड भी हैं, यहाँ पर मतलब हॉलो भी है, इसका मतलब दोनों फेज हैं, तो इसको आप 180 का रोटेशन कराओ, 120 का एक्चुअली, क्योंकि ये 3 बार है, तो 120 के रोटेशन के बाद ये फेज आ जाएगी, जैसे ये फेज 120 के रोटेशन के बाद ही आ गए, ठीक है, अगेन 120 का रोटेशन कराओ, क्लॉक वाइज चलेंगे यहाँ पर, 120 का रोटेशन कराओ, और 120 के रोटेशन के बाद ये आ गई, बैटरी लो हो गई भैया, टन टून, कोई नहीं, ठीक है, इस तरीके से ये बार थ्री सेम इसी तरीके से सभी हो जाएंगे। अभी एक्चुअल में बार थ्री है, तो मैंने आपको सिस्टम समझाया था कि पहले रोटेशन कराओ, फिर उनका इन्वर्जन कराओ, लेकिन यहाँ पर क्या है, बुल्स आई है, मतलब दोनों तरीके की फेज हैं, एक सॉलिड और एक, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनका, मतलब उसी जगह पर सॉलिड है, उसी जगह पर हॉलो है, तो आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट, थ्री का और बार थ्री का यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, क्यूबिक सिस्टम के अंदर एज इट इज, सीधे सीधे 3 पॉइंट बनाओ इसके लिए, ये देखो ये 120 का रोटेशन कराया यहाँ पर क्लॉकवाइज, अब इसको 120 के रोटेशन के बाद यहाँ पर, और इसके 120 के रोटेशन, ये ठीक है, इसी तरह ये 120 के रोटेशन के बाद यहाँ आ गया, 120 के रोटेशन के बाद यहाँ आ गया, क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरीके से, ऐसे इसका 120 का रोटेशन कराओ आप, ये आ गया इसका 120 का रोटेशन, इस तरीके से आपका 2x m बार 3 बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऐसे बनता है एक्चुअली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सिमेट्री लिखेंगे, सिमेट्री लिखेंगे, लेकिन सिमेट्री लिखने से पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिमेट्री हमने इसमें ढूंढे, तो अभी तक तो हमें एक डायड एक्सिस मिल रहा है, एक अपना प्लेन मिल रहा है, ये वाला जो मेन है ना, मेन हॉरिजॉन्टल था, ये खुद एक पेन, खुद एक ये पेज खुद एक मिरर प्लेन है, इस डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर, ध्यान रखना ये वाला पेज जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ,
ठीक है, आज मैंने आपको 2D पे भी 3D वाली फीलिंग ला दी है, आज भी फीलिंग नहीं आई ना, तो फिर कोई मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते इस पेज पे इससे ज़्यादा। ठीक है, तो अब एक डायरेक्ट एक्सिस है, तो अभी हम देखो डायरेक्ट एक्सिस और बना सकते हैं, ये देखो, क्योंकि डायरेक्ट एक्सिस का पर्पज ये होता है कि 180 की रोटेशन के बाद अपर हेमिस्फीयर वाली फेस लोअर हेमिस्फीयर में पहुंच जाए। सीधी सीधी बात है, जैसे कि अगर हमारे पास अपर हेमिस्फीयर में एक सॉलिड फेस है ना, और इसका मैं वो कराऊं डायरेक्ट एक्सिस के साथ रोटेशन कराऊं 180 का, तो डेफिनेटली ये हॉलो में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, ये दोनों वॉल्स आई हैं, मतलब जैसे मैं इसका ऐसे रोटेशन कराता हूँ ऐसे 180 का, तो इस सॉलिड वाली के लिए यहाँ पर एक हॉलो है और इस हॉलो वाली के लिए यहाँ पर एक सॉलिड है, तो एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे इसी तरीके से। ये तो एक डायरेक्ट एक्सिस बन गया, दूसरा डायरेक्ट एक्सिस यहाँ पर बन गया। हर वीडियो में मैंने डायरेक्ट एक्सिस बनना सिखाया है, बहुत सी वीडियो में, इसमें डायरेक्ट एक्सिस देखो ऐसे या ऐसे, जरूरी नहीं है इधर ही रोटेशन हो, इधर भी रोटेशन हो सके। आप ऐसा करो, रोटेशन का सिंबल बना लो ऐसे करके, या इधर से कैसे भी करके ना, ये घुमाते हैं ना ऐसे, मैंने इसलिए बना दिया था कि आप समझ में आए। ठीक है, तो अब आपकी डायरेक्ट एक्सिस कितनी हो गई यहाँ पर, 3, 1, 2, मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा परपेंडिकुलर, तो 3 डायरेक्ट एक्सिस हो गए। ठीक है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई हॉरिजेंटल वाला, अभी और प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक्चुअली, देखो ये खुद एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखें तो ये वाला, ये लाइन क्यों, देखो अब इसको प्रूफ कराते हैं कैसे। अब हम मिरर प्लेन लगाते हैं वर्टिकल वाला, तो वीडियो में आ रहा होगा शायद, जैसे मैंने यहाँ पर प्लेन लगाया, हाँ तो अरे किधर गया साड़ा, अरे सॉरी, तो हाँ ये देखो, ये जो बुल्स आई है ना, देखो ये मिल रही है जो मिरर प्लेन में है वो एक्चुअल में है, ये रही ऐसे मिरर, मिरर का मतलब ये होता है आप मिरर लगा दो तो एक्चुअल फीलिंग आनी चाहिए। तो देखो मेरे को तो यहाँ से आ रही है, लेकिन वीडियो में रिकॉर्डिंग, हाँ इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसी तरीके से इनके भी यहाँ दिख रहे हैं ऐसे, ये देखो आप अपने लगाना, देखो ये दोनों बोल्स आई हैं, ये मिरर में दिख रही हैं, ये वाला यहाँ दिख रहा है, और एक्चुअल में ये यहाँ पर है देखो, तो ये होता है मिरर प्लेन एक्चुअली वर्टिकल वाला। तो यहाँ पर कितने मिरर प्लेन हो गए, देखो मैं इसको लाल कलर से, ये देखो एक मिरर प्लेन, दूसरा मिरर प्लेन, और ये तीसरा मिरर प्लेन, तो 3 मिरर प्लेन हो गए, 3 मिरर प्लेन, ठीक है 3 मिरर प्लेन हो गए। और देखो ट्रेटार्ड एक्सिस कितनी है अपने, ट्रेटार्ड एक्सिस सॉरी ट्रायड एक्सिस, 3, 4, 4 ट्रायड एक्सिस है रो इन्वर्जन वाले, इन्वर्जन ट्रायड एक्सिस, और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिकॉज ऊपर फेज है नीचे फेज है, ऊपर है नीचे है, डेफिनेटली सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगी। तो मैं थोड़ा इनको ब्लू कलर से कर देता हूँ, क्योंकि बीडी को अभी कंप्रेस करेंगे तो ये शायद ना दिखे लाल कलर, तो ये देखो 4 ट्रायड इन्वर्जन एक्सेस, ठीक है 3 मिरर प्लेन्स, 3 मिरर प्लेन्स हो गए, 3 डायरेक्ट एक्सेस हो गए, अब एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई एक्चुअली, इसको चेंज करना पड़ेगा।